press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं विनोद चौधरी अगेन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पर्सनालिटी जो 17 है, एक्सरसाइज 17। ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है बोर्ड के अंदर, तो ये लास्ट क्वेश्चन आता है जिसमें दो करने होते हैं, जो 3+3 के अंदर आता है, यानी 3+3 के अंदर दो क्वेश्चन पूछता है एक में ही। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन है, तो इन तीन में से दो आपको पूछता है, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में से आपके दो करने होते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड टाइप्स ऑफ एवरेज, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तथा माध्यम के जो प्रकार है ना, वो कितने हैं कि गणितीय माध्य है, मैथमेटिकल एवरेज, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक समांतर माध्य अथवा उसे औसत बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन और एवरेज, उसे शॉर्ट फॉर्म में एम से डिनोट किया जाता है। दूसरा है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, जिससे शॉर्ट में जीएम से डिनोट किया जाता है। और तीसरा है ऋणात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, जिसे शॉर्ट में एचएम से डिनोट किया जाता है। और स्थिति संबंधी जो माध्य होते हैं, उसे एवरेज ऑफ जो पोजीशन है, उसमें ये दो भागों में बांटा गया है, एक तो मीडियन और एक मोड, माध्यक और बहुलक। तो अभी जो अपने सेकेंडरी लेवल पे 10वीं क्लास के आधार पे अपने इसको जो सिंपल ही पढ़ेंगे, यानी जो 10वीं में आप माध्य, माध्यक और बहुलक है, ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन वाले पढ़ोगे। आगे 11th के अंदर भी है ये, तो अभी अपने 10th के अंदर जो पढ़ेंगे वो एक तो है अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, यानी एक तो व्यक्तिगत जो श्रेणी है, तो उसके अंदर आपको एक सीरीज दी हुई होगी, जिसमें जो नंबरों की सीरीज है, जैसे 10, 15, आगे 12 दे दिया, 35 दे दिया, तो इस तरह से वो एक सीरीज बना देगा। तो उस सीरीज का आपको कैसे निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, सम ऑफ डाटा, यानी आप जो सभी डाटा है जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका आप सम कर लोगे, अपॉन नंबर ऑफ डाटा, और उन सभी के कितने हैं वो, जैसे अगर वो डाटा टोटल 10 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 15 है तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हो आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो। तो इस मेथड पे बोर्ड के अंदर नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एस स्तर बारंबारता बंटन होता है, उसमें अर्थमेटिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ, अब क्या होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी नंबर होगा वो वहां पे कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ। अभी अपने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि जो 10th क्लास है उसके पेपर अभी नजदीक है, तो इसको ज्यादा जो डिस्क्राइब करेंगे आगे जब सेशन स्टार्ट होगा तब करेंगे इसको हम। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इस पे आता है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला आता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से, तो इसको तीन तरीकों से किया जाता है, एक तो एक्स बार का जो सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ से कर सकते हैं, इस मेथड से वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें एफ और एक्स की वैल्यू छोटी होगी। दूसरा है एज्यूमिंग से कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि से फॉर्मूला बनेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ, जहां पे आप डी जो डिवीजन है वो विचलन निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए, और ए आप एक्स वाली वैल्यू में से एक कल्पित माध्य मानोगे, तो वहां जो डिवीजन है विचलन निकालने का फॉर्मूला बनेगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अगर इस मेथड से वैल्यू और थोड़ी छोटी हो जाती है, अब अगर और ज्यादा छोटी वैल्यू करनी है तो आपको जो स्टेप डिवीजन मेथड है पद विचलन विधि भी आप यूज कर सकते हो। तो एज्यूम मीन में आप कल्पित विधि करो से पद विचलन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला ये बन जाएगा ए प्लस सिग्मा ऑफ यू अपॉन सिग्मा ऑफ इनटू में एच, तो यहाँ पे जो यू निकालने का फॉर्मूला होगा वो डी अपॉन एच होगा, यानी जो डिवीजन होगा उसमें आप जो हाइट होगी उसका डिवाइड कर दोगे। अब माध्यक पढ़ेंगे यहाँ पे, तो माध्यक ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो माध्यक का फॉर्मूला होगा एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इनटू एच। अब यहाँ पे एल जो लोअर लिमिट होगी, जो आप वर्ग सिलेक्ट करोगे, तो वो जब क्वेश्चन करेंगे अपन तब वहां उस क्वेश्चन में बताऊंगा कि एल क्या है। एन है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और सी है वो संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, अपॉन एफ वाई फ्रीक्वेंसी होगी, और इनटू एच वो हाइट होगी। इसी तरह मोड बहुलक निकालने का फॉर्मूला,
एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो एग्जाम में ये जो माध्यम माध्यमिक और बहुलक है, इनमें जो ये फॉर्मूले वाले हैं तीनों, इनमें से आपको दो पूछेगा, क्योंकि जो आपको बारंबारता सारणी देता है वो हमेशा ही वर्गीकृत देता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाली देता है। तो उसमें आप 99% एज्यूमिन के चांसेस होते हैं। अगर मेथड का नाम नहीं आता है तब आप एफ एक्स से करो, चाहे एफ डी से करो, चाहे एफ यू से करो, लेकिन आपको क्वेश्चन को मोस्टली एफ डी या एफ यू से ही करना है, क्योंकि एफ एक्स में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो अभी अपन इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। तो माध्यम माध्यम और बोल के अपने दो दो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी सब रिविजन की जरूरत है। तो इसमें आज हम क्वेश्चन वही करेंगे जो टाइप बोर्ड में आ रहा है। तो अभी मेन मेन जो क्वेश्चन है दसवीं बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, वही क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। तो माध्य वाला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद माध्य का करेंगे, उसके बाद बहुलक का कर लेंगे। तो अभी माध्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो माध्य जब निकालना होगा तो कई बार मेथड का नाम दे देता है मीन के अंदर, और कई बार सीधा ही कहता है कि फाइंड द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो आपको वहां पे मीन फाइंड आउट करना है। अगर मेथड का नाम देता है तो एज्यूमिन बोल देगा, तब आपको एज्यूमिन से करना है। अदरवाइज आपके पास तीन फॉर्मूले किसी से भी करो, लेकिन आपको एग्जाम में एज्यूमिन या स्टेप डिविएशन ही अप्लाई करना है, इससे क्वेश्चन आसान होगा। अगर आपने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला लगा लिया तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ी आएगी, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखा है। तो उसके बाद आप जो कॉलम बनाते हो, अगर आप स्टेप डिविएशन से करते हो तो पहला क्लास इंटरवल का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद जो एक्स है वो मिड टर्म है। तो मिड टर्म कैसे निकालते हैं कि जो क्लास इंटरवल होता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है उसके बीच का मान होता है, तो उसके लिए इन दोनों को एड करके और टू से डिवाइड कर देंगे। तो जीरो प्लस टेन टेन हो जाएगा, टेन अपॉन टू कितना हो जाएगा ये फाइव। तो जो मध्य मान है पहला है वो कितना आ गया है, फाइव आ गया। अब आपको सिर्फ एक ही निकालना है, उसके बाद अपन ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक कौन सी लगाएंगे कि जितना डिफरेंस है इसमें क्लास इंटरवल में वो आप ऐड करते जाओ। तो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है, हाइट है इसकी, वो कितना है, टेन है, तो आप टेन ऐड करते जाओ। फाइव में टेन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन में टेन ऐड करोगे तो ये ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव में टेन ऐड करोगे थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में टेन ऐड करोगे तो ये फोर्टी फाइव आ जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, थर्टी प्लस फोर्टी का सेवेंटी, सेवेंटी पॉइंट टू थर्टी फाइव। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर लेना, भी कोई अपन ने गलत तो नहीं कर दिया है। आपको सिर्फ एक्स पहला एक निकालना है। तो पहला निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हम दोनों को आप ऐड करो और उसमें टू से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ एक्स को अपन मध्यमान बोलते हैं। अब इसके बाद अगर आप कल्पित विधि से करते हो तो डिविएशन निकालना होगा, विचलन। तो विचलन के लिए एक्स माइनस ए, ए जो है इस एक्स वाले मान में से माना जाता है। तो मोस्टली जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आपको इस एक्स वाली वैल्यू में से बीच वाला मान आपको लेना होता है, अदरवाइज आप कोई भी एक्स की टेबल में से ए मान करके आप क्वेश्चन को करो तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो अगर आप सारी वैल्यू डी की पॉजिटिव लाना चाहते हो तो आप एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आप ए मान लो, अदरवाइज आप एग्जांपल की तरह से करना है तो यहाँ 25 को मानो ए, तो जिसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी कुछ नेगेटिव आएगी, तो आपको फिर वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 5 को ए लेते हो तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। तो मैं 5 को ए लेकर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो अपन इसमें से बीच में से एक वैल्यू ले लेंगे। तो ये वाला इजी पैटर्न हो गया जिससे सभी बच्चों का ये सही हो जाए। तो अपन यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 5 लेते हैं, मानना जो ए है वो कितना ले लिया आपने, 5 ले लिया। अब डी है वो एक्स माइनस ए है, तो एक्स वाली वैल्यू में से आपको ए यानी सम में से 5-5 माइनस करना है। तो आप पहले वैल्यू में से अगर 5 माइनस करते हो तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे ये ट्रिक भी ध्यान रखो कि आपने जो x वाली वैल्यू में से a मानना है तो वो वाला तो हमेशा 0 रहेगा। अब नेक्स्ट आपको बार बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे यहाँ तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, छोटी वैल्यू है, लेकिन मान लो इंटरवल थोड़ा बड़ा आ जाए तब आपको किस ट्रिक से याद रखना है, जैसे आपने x में क्या ट्रिक लगाई थी कि जितना डिफरेंस था वो ऐड करते गए थे, ये सेम यहाँ d में लगानी है। डिफरेंस 10 का है तो 10 ऐड करते जाइए, 0 में 10 ऐड करेंगे तो ये 10 आ गया, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 आ गया, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, और 10 ऐड करेंगे तो ये 40 आ गया।
आप सब में से 5 माइनस करके चेक कर लो, यही आएगी डी की वैल्यू। अब एफ का मल्टीप्लाई डी से करना है, तो एफ और डी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा। कई गलती से इसको यहाँ पे 7 का 0 से करके 7 लिख देते हैं, ये ध्यान रखना आपको बोर्ड में। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा, 15 का 20 से करेंगे तो ये हो गया 300, 15 × 2 होता है 30 और 1 0 आगे लग गया। 8 का 30 से करोगे तो 240 हो गया, 40 का 10 से करोगे तो ये 400 हो गया। अब सिग्मा एफ डी यानी उनका सम कितना होगा एफ डी का वो निकालना आपको, तो उसको निकालने के लिए आप उनको ऐड करो तो 400 और 300 हो गया 700 और ये हो गया 800 और 800 में आप 240 ऐड करते हो तो ये हो गया 1000 और 40 हो गया ये। अब ये अपन इसको डी से कर रहे हैं, यू से करोगे तो फिर आपको आगे यू पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन सिर्फ इसको डी से ही कर रहे हैं। अभी आ गया 1040 आ गया। अब इसका एजुमिन से कर रहे हैं तो बाय एजुमिन यानी कल्पित विधि, तो कल्पित विधि से जब आप इसको करते हो तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो यहां पे आपको समेशन ऑफ एफ यानी बारंबारताओं का जोड़ निकालना होगा, तो इनका जोड़ करने के लिए ये हो जाएगा 10 और 8, 15 और 10 और ये 7, इसको ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 50 हो गया इनका ऐड। अब इधर x बार इज इक्वल टू a आपने कितना लिया है 5 लिया है प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई है 1040 आई है, और अपॉन में सिग्मा एफ और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास है 50 है। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करते हो तो यहाँ तक तो सारे के सारे सही कर देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन में यहाँ पे 90% गलत कर देते हैं, कई इसको 50 से डिवाइड करने लग जाएंगे, कई इसका एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। तब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है क्या कोई लास्ट वाला डिजिट है या किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या, तो यहाँ 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया दोनों में। अब आपको अगर कैलकुलेशन छोटा करना है तब 104 को डिवाइड कर दो 5 से और जो आंसर है वो 5 में ऐड कर दो, तो x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 104 अपॉन में 5, तो इसमें आप डिवाइड कर लोगे तो 104 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5 से डिवाइड करोगे 10 को तो ये हो जाएगा 2। अब 4 आप अगर नीचे उतारते तो डिवाइड करने के लिए तो वहां पे डिवाइड ब्रेक हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा पॉइंट, उसके बाद 40 हो जाएगा, 40 में 5 का डिवाइड करोगे तो ये हो गया 8, तो 20 में ये 5 8 हो गया तो 25.8 इसका आंसर आ जाएगा। मीन माध्य का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्लास दे रखी है वो 10 to 25 यानी 15 का इंटरवल है इसके अंदर और लास्ट है वो 100 तक है। अब इसमें अपने x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x निकालने का मीन टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला, आप निम्न सीमा और ऊपरी सीमा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो 25 और 10 आप सम करोगे तो 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 17.5। अब पहला x की वैल्यू निकालने के बाद अब इसमें इंटरवल कितने का है 15 का है, तो अब आप इसमें 15 ऐड करते जाइए तो 17.5 में जब आप आगे 15 ऐड करोगे तो 15 ऐड करने के बाद ये हो गया 32.5 में 15 ऐड करोगे तो ये हो गया 47.5 में आप 15 ऐड करोगे तो 62.5 में आप 15 ऐड करोगे तो 77.5 में आप 15 ऐड करोगे तो 92.5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, मिड टर्म आ जाएगा। इसके बाद जो d का फॉर्मूला है वह x माइनस a, अब यहाँ पे जो a है वो एज्यूम किया जाता है तो a को एज्यूम है वो x की वैल्यू में से करना है, तो x वाले वैल्यू में से ये पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो फर्स्ट वैल्यू लेके किया था, अब अपन इस क्वेश्चन को मिडिल वाले वैल्यू लेके कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जो a है वो 47.5 को लेके कर रहा हूँ, आप चाहो 17.5 को लेके करो तो भी सही होगा, तो आप यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो ले रहे हो 47.5 ले रहे हो, तो a को आपको ये मानने के बाद माना a बराबर। अब आप सब्ट्रैक्ट वाला स्टार्टिंग यहां से करना, तो 47.5 में से
ए 47.5 जब माइनस होगा तो ये वाला होगा जीरो। जब आप एक्स का जो पहला वैल्यू होता है वो आप ए लेते हो तो ये जीरो बनता है। अब आपने इसको ए लिया है तो जो आप ए मानते हो उसके सामने वाला डी का मान हमेशा जीरो होगा। अब इस जीरो के जो नीचे की जो कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव आएगी और जीरो के ऊपर की कैलकुलेशन है वो नेगेटिव आएगी। तो अब आप नेक्स्ट जीरो के नीचे जो इंटरवल है 15 उसकी आप टेबल बना दीजिए पॉजिटिव में और जीरो से ऊपर आप नेगेटिव में बना दीजिए और सब्ट्रैक्ट करने पर वही आएगा। अगर ये जीरो लेते तो जीरो से नीचे सारी पॉजिटिव टेबल थी। तो जीरो के बाद में 15 का इंटरवल है तो 15, 30 और ये 45। अब अगर 32.5 में से आप ये 47.5 माइनस करते हो तो ये माइनस का 15, ये माइनस का 30 हो जाएगा। अब D की वैल्यू का अगर आप सबसे मल्टीप्लाई करते हो तो थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि 26 का 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको यूज से करो, स्टेप डिवीजन मेथड से करो, इससे कैलकुलेशन है वो और छोटी हो जाएगी। अब अपने U का क्या फॉर्मूला होता है, डी अपॉन एच। तो D तो आप पहले निकाल चुके हो, उसमें एच यानी क्लास इंटरवेल से आपको डिवाइड करना है। तो D की वैल्यू है -30 -15, ये इसमें आप एच कितने का इंटरवेल है, 15 का है तो आपको 15 से डिवाइड करना है। तो -30 को डिवाइड करोगे तो ये 15 से -2, ये -1, ये 0, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3। तो ये आ जाएगी U की वैल्यू। अब देखो इससे है ये वैल्यू छोटी हो गई है जिससे आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। अब F का मल्टीप्लाई आपको U से करना है तो 6 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये माइनस का 12, 20 का -1 से करेंगे तो ये माइनस का 20, 44 का 0 से करेंगे तो ये 0, 26 का 1 से करेंगे तो ये 26, 3 का 2 से करेंगे तो ये 6, 1 का 3 से करेंगे तो ये 3। अब इसमें कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव वैल्यू है तो आपको इनको अलग अलग ऐड कर लेना है। तो ये दोनों आप अगर ऐड करते हो दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो ये आ गया माइनस का 32 आ गया है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये हो गया 26 और 6 हो गया 32, 32 और 3 हो गया 35। अब यहाँ पे जब आप एफ यू का टोटल सम करते हो तो ये 35 तो प्लस का है और 32 है वो माइनस का है, तब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा कितना, 3 बचेगा। कई बार अगर ये वैल्यू नेगेटिव वाली ज़्यादा है तो आपको माइनस में भी आंसर मिल सकता है इसका, तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट वाला आगे करना होगा। अब एफ यू का वैल्यू आ गया, सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ उनका सम करोगे तो 100 है। अब आप स्टेप डिवीजन से कर रहे हो तो फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। देखो स्टेप डिवीजन में इंटू एच होता है लेकिन आप एजुमिन से करते हो डी से तो उसमें मल्टीप्लाई एच नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपने लिया था 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू आया है 3 अपॉन सिग्मा एफ का वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई और एच जो इंटरवेल है वो कितने का है, 15 का है। अब 47.5 प्लस 3 का 15 से मल्टीप्लाई होगा, आप इसको कैंसिल मत करिए क्योंकि जब 100 आए अपॉन में तब आप उसे डिवाइड करना आसान रहेगा। तो दो डिजिट छोड़ के यूनिट की तरफ से आप उसमें पॉइंट लगा दो, 15 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 अपॉन में कितना है, 100 है। अब 45 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 0.45 और इधर है 47.5। अब कईयों को ये ऐड करने में दिक्कत होती है तो ऐड करने के लिए आप जैसे पहला 47.5 लिख लिया, पॉइंट के सीध में आपको पॉइंट रखना है, पॉइंट के बाद में 4 और 5 है और पॉइंट से पहले 0 है। अब इसका कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो तो ये 5 और 4 हो गया 9, ये 7 और ये 4, तो इसका आंसर आ गया 47.95। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे मीडियन माध्यक की। तो माध्यक के अंदर मीडियन के अंदर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है दोनों क्वेश्चन में देगा। अब इसके अंदर एक ही कॉलम और बनाना है सिर्फ, वो सी एफ संचयी बारंबारता का, और कोई कॉलम नहीं बनाना, यानी तीन ही कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे सी एफ कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता, तो ये आपको इस बारंबारता से निकालनी है। इसमें न तो आपको मध्यमान एक्स वगैरह कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए आपको ये ट्रिक है कि सबसे पहले आप जो पहली बारंबारता है उसको एज इट इज लिख दीजिएगा, तो एज इट इज लिख दिए 6। अब उसका आप ऐसे
तिरछा है ये सम कीजिएगा, 6 में 20 ऐड करोगे यानी यहाँ तक 20 से जो ऊपर है इन दोनों का सम कितना हो गया है, तो 6 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो गया 26। अब 44 तक इन तीनों का सम कितना हो गया है, तो उसके लिए इसमें ये ऐड करोगे आप दोनों तो 26 और 44 ऐड करोगे तो ये हो गया 70। अब इसमें 26 ऐड करेंगे ये तो 26 ऐड करने पर ये हो गया 96, 96 में 3 ऐड करोगे तो ये हो गया 99, 99 में 1 ऐड करोगे तो 100। एग्जाम में आपको 99% सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 वाला इक्वेशन देगा। अब इसके बाद में माध्यक के लिए मीडियन के लिए अपने को क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं, माध्यक और भोलक दोनों में आपको जो मीडियन क्लास या मोड क्लास सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो सिग्मा एफ है इसको अपन यहाँ अन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा एफ या अन की वैल्यू जो 100 है तब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे अन बाई टू, अन बाई टू इज इक्वल टू 100 अपॉन टू, तो ये आ गया 50। अब आपको ये देखना है कि 50 से जस्ट अबव यानी उससे ठीक बड़ी सी एफ की वैल्यू कौन सी है, तो 50 से जो ठीक बड़ी सी एफ है वो कौन सी है, 70 है, तो ये वाला कॉलम है ये हो जाएगा मीडियन क्लास, तब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, ऐसे आप एग्जाम में भी बना सकते हो। अब आप यहां पे लिखोगे मीडियन क्लास या लिख दिया माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया है 40 से 50 वाला, तो ये 40 से 50 वाला ये हो गया माध्यक वर्ग। अब यहां पे अन बाई टू की वैल्यू तो अपने पास फॉर्मूले में वो है, अल कौन सा होगा, अल जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें जो क्लास इंटरवल है ये इसकी जो निम्न सीमा है लोअर लिमिट है तो वो कौन सी है 40 है, तो यहाँ पे आप अल की वैल्यू लिख दोगे, अल की वैल्यू है 40। उसके बाद अन बाई टू की वैल्यू चाहिए तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हो 50 है। उसके बाद आपको सी की वैल्यू चाहिए, एक एफ की वैल्यू चाहिए और एक एच की वैल्यू चाहिए, तो सी कौन सा होता है, सी जो आपने क्लास इंटरवल सिलेक्ट किया है उस वाले कॉलम की जो सी एफ है उसे जस्ट पहले वाली जो सी एफ है वो वाली फॉर्मूले के अंदर जो सी है उसकी वैल्यू होगी, तो या अन बाई टू सी में से ये लेस देन रहेगा सी, तो अन बाई टू आपके पास 50 है तो जो सी है वो सी एफ वाले में से सिलेक्ट किया जाता है तो वो 26 होगा। अब कई गलती क्या करते हैं कि सी को 70 लिख देंगे तो 70 लिखते ये गलत हो जाएगा, या 50 माइनस 70 होगा तो नेगेटिव आएगा, इस ब्रैकेट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो सी की वैल्यू हो गई 26। एफ कौन सा होता है, एफ जो आपने क्लास इंटरवल लिया है उस खुद की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होती है, तो एफ कौन सी है यहाँ 44, तो एफ की वैल्यू हो गई 44। सी और एफ ऐसे तिरछे होते हैं दोनों ही, अब कहीं सी इसको ले लेंगे तो एफ इसको लेंगे तो सी तो गलत है एफ का वैल्यू सही है, अब कई सी ये ले लेते हैं और एफ ये ले लेते हैं तो सी वहां से ये एफ गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है सी और एफ ऐसे तिरछे होते हैं। एफ का वैल्यू आ गया, एच क्या है, एच क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितने का है 10 का है, तो ये सारी वैल्यू आने के बाद अब आप इस माध्यक या मीडियन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो जो मीडियन है मीडियन का आंसर आ गया एल, एल की वैल्यू कितनी है 40 प्लस अन बाई टू, अन बाई टू की वैल्यू है 50 माइनस, अब कई अन बाई टू में भी गलती करते हैं, अन बाई टू को वो यहाँ 50 है तो 50 को 2 कर देते हैं, तो अन बाई टू आप पहले जब क्लास इंटरवल सिलेक्ट करोगे तब आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो 50 माइनस सी, सी की वैल्यू है 26 अपॉन में एफ, एफ की वैल्यू है 44 और इंटू में एच, एच की वैल्यू है 10। अब यहाँ कैलकुलेशन में लगभग गलत करते हैं तो 50 माइनस 26 करोगे तो ये हो गया 24 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ तक करने के बाद टेबल से इसको कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल करने के लिए अगर ये दोनों होते हैं तो इन दोनों को कैंसिल करो, अदरवाइज ये दोनों होते हैं तो 10 और 44 को कैंसिल करो, तो देखो 24 और 44 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 की टेबल से इसको आप कैंसिल कर सकते हो या इन दोनों को आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये एक वैल्यू एक ही टेबल से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स हो गया ये, और ये 24 को करोगे तो ये हो गया 6 टाइम्स। अब न तो 10 11 से कैंसिल होता है न 6 11 से, तब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 प्लस 10 को 6 से करोगे तो 60 अपॉन 11। अब आप एलसीएम ना लेकर के
इसका डिवाइड करके और 40 में ऐड कर दीजिए, तो 40 प्लस 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 का 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स 55 हो गया। अब 60 में से 55 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 रिमेनिंग रहेगा, तो 50 हो गया, 50 में 4 टाइम्स 44 हो गया, 6 रिमेनिंग रह गया, तो 6 से 60 बनेगा, तो 60 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया 40 में आप 5 ऐड करोगे तो 45.45, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया इसका, तो ये हो गया मीडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन के लिए, तो इसमें जो क्लास इंटरवल है जो 0 टू 10, 10 टू 20 ये है, तब यहाँ पे अपन सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले एफ की जो वैल्यू है वो एज इट इज, तो यहाँ 4 है तो ये 4 का 4 एज इट इज। अब इसको आपको ऐसे फिर साइड करना है कि 28 तक इन दोनों का सम कितना हो गया, ये 32 हो गया, 32 में 42 ऐड करेंगे तो ये हो गया 74, 74 में 28 करोगे तो 94, 94 में 6 ऐड करोगे तो 100 हो गया। अब यहाँ पे इनका सम नहीं करना है अपने को, अन बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो अन है 100 अपने पास, तो अन बाई टू आ गया, 100 अपॉन टू 50 आ गया। अब यहाँ पे मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए अन बाई टू की वैल्यू 50 है, तो 50 से जस्ट अबव सी एफ देखेंगे, तो 50 से जस्ट अबव सी एफ कौन सा है, 74 है, तो ये वाला क्लास इंटरवेल आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर एल की वैल्यू, एल जो लोअर लिमिट होती है वो कौन सी है, इसकी जो आपने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है ये कौन सा है, 20 है इसकी, 20 और 30 में जो निम्न सीमा है वो कौन सा होगा, पहली वाली वैल्यू होती है, तो क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा हो गया, क्लास इंटरवल 22-30 हो गया। अब एल की वैल्यू इसकी जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा कौन सी है, 20, तो ये हो गया। अन बाई टू की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 50 है। सी, सी कौन सा होता है, जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है इससे पहले वाला सी एफ का वैल्यू होता है, तो ये कैपिटल सी, तो C का वैल्यू हो गया 32। C का वैल्यू हमेशा n बाई टू से लेस देन रहेगा, और F, F उस खुद जो आपने कॉलम है लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 42, और H इंटरवल कितने का चल रहा है इसमें, 10 का चल रहा है। अब मीडियन के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, तो माध्य या मीडियन, तो L की वैल्यू, L की वैल्यू है 20 प्लस अन बाई टू, तो अन बाई टू की वैल्यू है 50 माइनस सी, सी का वैल्यू है 32 अपॉन में एफ, एफ का वैल्यू है 42 इनटू में एच कितना है 10, तो ये हो गया 20 प्लस 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 अपॉन 42 इनटू में 10। अब इसको आपको कैंसिल करना है, तो आप चाहो तो 10 और 42 को पहले कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों को भी 3 की टेबल से कर सकते हो, तो ये दोनों जब कैंसिल होंगे 10 और 42, तो मोस्टली बच्चे यही करते हैं कैंसिल पहले, तो मैं इन्हीं दोनों को करके बता देता हूँ, ये 10 टू से होगा तो ये हो गया 5 टाइम्स, 42 को करोगे तो ये आ गया 21। अब 18 और 21 दोनों कैंसिल होते हैं 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल से ये 7 टाइम्स हो गया, ये हो गया 6 टाइम्स। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, न 6-7 हो रहा है, न 5-7 हो रहा है, तो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 प्लस 6 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 30 अपॉन 7। अब 30 को 7 से डिवाइड करके वो 20 में ऐड कर दीजिए, तो 20 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल से 4 टाइम्स 28 हो गया। अब 2 रिमेनिंग रहेगा, 20 हो गया तो 2 टाइम्स हो गया 14, फिर 6 रिमेनिंग रहेगा, 60 बन गया तो 60 में 8 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 24.28, इसका आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बोलक का, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो सबसे बड़ी बारंबारता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो देखेंगे, सबसे पहले बोलक वर्ग के लिए मोड क्लास के लिए, तो सबसे बड़ी बारंबारता है वो कौन सी है, 24 है, तो ये वाला क्लास आप सिलेक्ट कर लोगे। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो सारी पुट करेंगे, तो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू जो उसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट होती है वो होती है, तो ये किसकी वैल्यू है, एल की है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 40 हो गई। उसके बाद में एफ वन, एफ जीरो, एफ टू और एफ, तो आप स्टार्टिंग में तो ये लिखोगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 24 है, तो जो मोड क्लास है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 40 से 60 वाला हो गया, तो आंसर 40 से 60 के बीच का ही आएगा। अब एफ वन, एफ वन है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है, तो ये एफ वन की वैल्यू हो गई, एफ वन से पहले जीरो आता है तो ये एफ जीरो की वैल्यू हो गई,
वन के बाद वाली वैल्यू टू होती है, तो ये एफ टू की वैल्यू होगी। एफ वन की वैल्यू 24, एफ जीरो की वैल्यू 15, एफ टू की वैल्यू 8, और एच इंटरवेल कितने का चल रहा है इसमें, 20 का चल रहा है, तो 20 एच हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एल की वैल्यू 40 प्लस एफ वन की वैल्यू, तो एफ वन की वैल्यू है 24 माइनस एफ जीरो की वैल्यू 15 अपॉन 2 इंटू एफ वन, एफ वन की वैल्यू 24 माइनस एफ जीरो की वैल्यू 15 माइनस एफ टू की वैल्यू 8, और इंटू में एच, एच की वैल्यू कितनी है 20, तो 40 प्लस 24 माइनस 15 करोगे तो ये हो गया 9 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 24 को 2 से करेंगे तो ये हो गया 48 माइनस, ये दोनों 8 हो जाएंगे तो 23, और इंटू में 20, तो 40 प्लस ये 9 अपॉन 8 माइनस 3 होगा तो ये 5 हो गया, 4 माइनस 2 होगा तो 2 इंटू में 20। अब कैंसिल होगा तो 9 और 25 तो नहीं हो रहा है, तो 20 और 25 दोनों कैंसिल होते हैं, ये तो ये किसकी टेबल से, 5 की टेबल से, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 5 की टेबल से 4 टाइम्स, 5 की टेबल से 4 बार 20 होता है, 5 की टेबल से 5 बार 25 होता है। अब जो बचे हुए वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 40 प्लस 9 का 4 से करोगे तो 36 अपॉन में 5। अब 36 को 5 से डिवाइड करके 40 में ऐड कर दीजिए, तो 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 7 बार हो गया 35.1 बचेगा, 5 दूने 10 तो ये हो गया 7.2, तो 47.2 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, वो भोलक मोड पे। तो मोड या भोलक के अंदर आपको कोई भी नया कॉलम नहीं बनाना, जो दे रखे हैं दो वही अपने को यूज करने हैं। अब इसके अंदर मोड के अंदर भी आपको मोड क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मोड क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो देखेंगे सबसे पहले। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से इंटरवेल की है, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 44 है, तो 44 है वो सबसे बड़ी बारंबारता है, तो 44 वाला ये क्लास इंटरवेल आप सिलेक्ट कर लोगे। तो ये क्लास इंटरवेल सिलेक्ट करने के बाद अब इसके अकॉर्डिंग अपने ये जो मोड के फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब क्लास इंटरवेल जो सिलेक्ट किया है तो उसके जो निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है एल, तो एल कितना है यहाँ 40 है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये लिखोगे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है कौन सी है, 44 है, तो आप लिखोगे यहाँ मोड क्लास यानी बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग है वो कौन सा हो गया, 40 से 55 वाला हो गया। तो मोड और मीडियन के अंदर आपको बता देता हूं कि जो आप इंटरवेल सिलेक्ट करते हो आंसर उसी के बीच का आएगा, नहीं तो 40 से ग्रेट लेस देन होगा, नहीं 55 से ग्रेटर देन होगा, 40 और 55 के बीच का आंसर होगा। तो बहुलक वर्ग सिलेक्ट हो गया 40 से 55। अब जो फॉर्मूले के अंदर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, यानी शॉर्ट में आप ऐसे याद रख लो 10 बटा में 102 है, तो फिर एफ लगा दीजिए सब के आगे, तो ये यहाँ पे 2f1। अब एल की वैल्यू कौन सी है, 40 है। अब यहाँ पे आपको एक एफ वन चाहिए, एफ जीरो, एफ टू और एच, ये वैल्यू चाहिए। तो एच की वैल्यू तो आप मीडियन के अंदर फाइंड आउट किए, वही सेम प्रोसेस। तो इंटरवेल कितने का है यहाँ पे, 15 का है। अब ये जो तीन वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, देखो आप जब काउंटिंग लेते हो तो जीरो, जीरो के बाद में वन आता है, वन के बाद में टू आता है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो देखो यहाँ एफ वन में से माइनस हो रहा है, तो एफ वन वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अब वन के पहले जीरो आता है और वन के बाद में टू आता है, तो वन के बाद यानी ये एफ टू की वैल्यू, ये एफ वन की वैल्यू और ये एफ जीरो की वैल्यू, तो एफ वन से पहले वाली वैल्यू है ये होगी एफ जीरो की, और एफ वन के बाद वाली वैल्यू ये हो गई एफ टू की वैल्यू। तो एफ वन की वैल्यू है 44, एफ जीरो की वैल्यू है 20, एफ टू की वैल्यू है 26, तो ये वैल्यू हो गई सबकी। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो जो फॉर्मूले के अंदर एल की वैल्यू 40, तो ये लिख देंगे 40 प्लस एफ वन, तो 44 माइनस एफ जीरो 20 अपॉन 2 इंटू में एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और
मल्टीप्लाई में एच कितना है 15, तो ये 40 प्लस 44 माइनस 20 करेंगे तो ये 24 अपॉन, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 44 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 88, ये दोनों ही माइनस के हैं तो 8 हो जाएंगे, 20 और 26 हो गया माइनस का 46 और इंटू में 15, कई गलती यहाँ पे करते हैं, तो ये 8 तो हो रहा है लेकिन साइन आपको यहाँ पे माइनस का लगाना है, तो 40 प्लस 24 बटा में 88 में से 46 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 42 इंटू में 15। अब यहाँ पर आप जो कैंसिल करोगे तो कैंसिल में ये दोनों भी कर सकते हो और 15 और 42 भी कर सकते हो, तो मोस्टली ये दोनों करते हैं कैंसिल पहले, तो इन दोनों को कैंसिल करते हो तो 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल से 5 टाइम्स हो गया। अब 3 की टेबल से इसको करोगे तो ये 1 टाइम्स हो गया और ये हो गया 4 टाइम्स। अब ये जो दोनों है वो 2 की टेबल से कैंसिल होते हैं, तो 2 की टेबल से ये हो गया 7 टाइम्स और ये हो गया 12 टाइम्स, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट क्योंकि और कोई जो बचा हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा, तो 40 प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 अपॉन में 7। अब 60 को 7 से डिवाइड करके 40 में ऐड कर दीजिए, तो 40 प्लस 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो गया 56। अब जो 60 माइनस 56 करोगे तो 4 बचेगा, 4 से 40 हो जाएगा, 40 में 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स होने के बाद 5 रिमेनिंग रहेगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 7 टाइम्स हो गया, तो ये आंसर आ गया 40 में 8 ऐड करोगे तो 48.57, तो ये हो गया रिक्वायर्ड मोड।